Hello my dear moms, Urbi moms and all my dear friends who are watching this video over there. Welcome to my channel Mommyverse. आज का टॉपिक है पोस्टपार्टम वेट रिटेंशन यानी प्रेगनेंसी के बाद वेट का ना घटना. यूजुअली हम प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट को डिलीवरी के बाद जो 6 से 12 महीने है तब तक पा ही लेते हैं. डिलीवरी के बाद जो पहला 6 वीक्स होता है तब तक आपका नॉर्मली 2 से 3 केजी वेट घट ही जाता है और नेक्स्ट 1 ईयर तक आपका जो प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट होता है वो फिर से रिस्टोर हो जाता है. आपके पेट के स्किन और मसल्स प्रेगनेंसी के टाइम में एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो जाता है जिसके कारण उन्हें टाइटन अप और श्रिंक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है और आपको डिलीवरी के बाद भी आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि आप स्टिल प्रेग्नेंट दिख रहे हो जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. कुछ कुछ महिलाओं में ये भी देखा जाता है कि साल भर बाद भी उनका बॉडी वेट पहले वाला नहीं आता है. इनफैक्ट किसी किसी केस में ऐसा भी देखा जाता है कि एक्स्ट्रा वेट गेन कर लिया है. तो इन सब केसेस में हम क्या कर सकते हैं पहले वाला बॉडी वेट पाने के लिए. वेट रिटेंशन के कुछ कारण, जरूरत से ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करना भी एक प्राइमरी रीजन हो सकता है वेट रिटेंशन का. न्यूबॉर्न बेबीज का देखभाल करने का स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होता है और वो आपका वेट गेन का एक कारण बन सकता है. नींद पूरी नहीं होना ये भी एक कारण हो सकता है पोस्टपार्टम वेट रिटेंशन का. थायराइड प्रॉब्लम भी एक कारण हो सकता है पोस्टपार्टम वेट रिटेंशन का या तो आपका वेट गेन का. हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी खाना खाया कीजिए जिसमें आपका न्यूट्रिएंट्स हो, एसेंशियल मिनरल्स हो और सफिशियंट क्वांटिटी में हो. ऑयली फूड, जंक फूड या हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड को अवॉइड कीजिए या तो कम खाया कीजिए. बेबी का सही से ध्यान रखना जरूरी है बट इसके लिए स्ट्रेस मत ले और इन पलों को एंजॉय कीजिए. बेबी के स्लीपिंग पैटर्न के साथ आपका भी टाइम सिंक करा लीजिए ताकि आपकी भी नींद पूरी हो. हल्का फुल्का एक्सरसाइज करा कीजिए जैसे कि मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, इससे आपको थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न करने में मदद मिलेगी. अगर इन सब के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें. हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ कुछ टेस्ट एडवाइस करे जिससे आपका बेटर असेसमेंट हो सके. हेल्थ इज वेल्थ, तो वेट रिटेंशन से घबराना नहीं है, बस कुछ कुछ हेल्थी आदत अपनाना है और लाइफ को एंजॉय करना है. तो इसी के साथ मैं आती हूँ एंड ऑफ दिस वीडियो बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर. बाय बाय.